नेथन पे जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं इस मेल हैंड एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ, इस हाथ में बहुत से पॉजिटिव साइंस है, बहुत से करोड़पति के योग बनना है वो मैं इनको बताऊँगा, और बहुत सी लकी लाइंस है जो इनको जीवन में बहुत अच्छा फल देने वाली है। हाथ का विश्लेषण सबसे पहले इनके पाम से ही चालू करूँगा। तो पाम मैं यहाँ पर देख पाऊँगा, स्क्वेयरिस आ रहा है मेरी नज़र में, बट क्या है कि दोस्तों इस तरह से जब कर्व लेता है पाम, यहाँ से थोड़ा कर्व ले रहा है, तो इनको संगीत या किसी भी चीज़ का शौक़ होगा, एडिक्शन अपन कह सकते हैं। संगीत का वैसे देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को शौक़ होता है, मतलब गाने सुनने या गाने का, ठीक है। अब एक और चीज़ देख पाऊँगा मैं दोस्तों, यहाँ पर थ्री लकी साइंस में इनके हाथ में दिखाऊंगा, बट यहाँ पर माउंट्स की सेटिंग देखूँ ना मैं, तो इनकी माउंट्स की सेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। देखिए गुरु कितना अच्छा है यहाँ पर, गुरु जब इतना अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में सारे सुख सुविधा देता है, पैसा धन दौलत मान सम्मान इज्जत हाई पोस्ट, और यह हाई बिजनेस भी कर रहे हैं, मैं अभी बताऊँगा साइन। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा सुखद रहेगा इनका। शनि बट हाँ, शनि यहाँ से थोड़ा लो सेट हो रहा है, तो आप शनि के उपाय मैं आपको बताऊँगा व्हाट्सअप पर। सूर्य भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, व्यापारी के लिए बुध अच्छा होना ही चाहिए। फिंगर्स पे कुछ सीधी खड़ी रेखाएं जो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इनका फ्रेंडली नेचर रहेगा, मिलनसार नेचर, जैसी किसी भी बिजनेस पार्टनर के लिए एक पहला स्वभाव ये होना ही चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ जो भी अपने आमने सामने वाला पार्टनर होता है उसके साथ जब मिलते हैं तो फ्रेंडली नेचर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इनका फ्रेंडली नेचर रहेगा और दोनों क्वालिटी इनके अंदर रहेगी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग, और गुरु की फिंगर ये बता रही है कि लीडरशिप क्वालिटी वगैरह इनके अंदर अच्छी रहेगी। लिटिल फिंगर अपोलो के फर्स्ट फोर तक नहीं रह जा रही, तब भी कम्युनिकेशन इसके नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ों में जैसे डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। पूरे हाथ का विश्लेषण चालू करूँ, ज़्यादा इन्हें डिटेल नहीं मांगा, बट जो जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें, तो आप तो एक तो इंडिपेंडेंट स्वभाव है आपका, आप किसी के फालतू की कभी दबाव में नहीं रह पाएंगे, कभी किसी के मतलब दबाव में रह के बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और ना कभी किसी की फालतू सुन सकते हैं, अपने मन मौजी के मालिक होंगे और अपने मन की करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट आपका स्वभाव होगा, बहुत अच्छे थ्री लाइंस आपके हाथ में है। सबसे पहले बता दूँ, एक इतनी अच्छी भाग्य रेखा, इसे धन रेखा भी कह सकते हैं। दूसरा, ये इतना बहुत लंबा बिजनेस लग, जब इस प्रकार से कोई भी बने तो व्यक्ति को महाकरोड़पति बनाता है, तो ये पक्का एक ना एक बार महाकरोड़पति बनेंगे ज़िंदगी में। एक ट्राइंगल तो ये रहा, इसे बिजनेस लक भी कहते हैं, और एक मनी ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। तो आप महाकरोड़पति बनेंगे, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। अब एक ना एक बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है, वरना आप सोचो कि हर बार कह रहा हूँ, एक ना एक बार आप महाकरोड़पति बनने का आपको मौका मिलेगा, बट आपको उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। सूर्य रेखा आदमी के हाथ में जब ऐसा हो तो बहुत मान सम्मान समाज में रहती है, बिजनेस में आपका बहुत मान सम्मान रहने वाला है। मल्टीवर्स सोर्स से आप इनकम कर सकते हो अपने जीवन में, क्योंकि कुछ कुछ रेखाएँ दिख रही हैं इधर, और शनि पर भी आप देख पाएंगे कि इनकी कुछ रेखाएं दिख रही है जो इनको बता रही है कि मल्टीपल सोर्स आप इनकम कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नए वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक के लिए।